और अब खबर बेनीवाल को खतरे की। पुलिस इंटेलिजेंस को मिले एक इनपुट से सनसनी फैल गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच जहां प्रदेश की पुलिस ने अचानक ही आरएलपी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल पुलिस इंटेलिजेंस को यह इनपुट मिला कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है और उन पर हमला हो सकता है। यह इनपुट मिलने के बाद पुलिस को यह पता चला कि हनुमान बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए रवाना हो चुके हैं। अचानक ही पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस ने बीच रास्ते ही हनुमान बेनीवाल को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया। जयपुर से नागौर स्थित घर पहुंचने तक अलग अलग थाना पुलिस ने बेनीवाल को जबरदस्त पुलिस की सुरक्षा दी। पुलिस की कई गाड़ियां बेनीवाल के काफिले के आगे पीछे दौड़ती रही। यही नहीं, जब बेनीवाल देर शाम को घर पहुंचे तो उनके घर पर नागौर पुलिस की QRT के 8 कमांडो तैनात कर दिए। विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस को एक बेहद महत्वपूर्ण इनपुट मिला कि बेनीवाल की जान को खतरा है, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल के घर पर QRT तैनात कर दी गई है। नागौर जिला पुलिस द्वारा QRT के 8 कमांडो तैनात कर दिए गए हैं और अब बेनीवाल के घर में वही घुस सकेगा जिसे QRT अनुमति देगी। दरअसल पुलिस को कल शाम को इस तरह का इनपुट मिला कि बेनीवाल की जान को खतरा है। जयपुर से नागौर आते समय बेनीवाल को जबरदस्त एस्कॉर्ट पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा अचानक दी गई थी। अचानक ही जब एस्कॉर्ट मिली तो एक बार तो आरएलपी के समर्थक भी चौंके, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पता चल गया कि इंटेलिजेंस को एक बेहद ही महत्वपूर्ण इनपुट मिला है कि हनुमान बेनीवाल की जान को किसी से खतरा है, उन्हें थ्रेट है। इसके बाद पहले एस्कॉर्ट दी गई, बेनीवाल को इस घर तक पहुंचाया गया और अब इनके घर पर नागौर पुलिस के QRT के 8 कमांडो तैनात कर दिए गए। ये खतरा किस तरीके का है, कौन है जो जिसके कारण से थ्रेट है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ने किसी तरह का खुलासा किया नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने कहा है कि हमें इंटेलिजेंस से इस तरह का इनपुट मिला जिसके बाद हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले जयपुर से नागौर आते वक्त पूरे रास्ते एस्कॉर्ट दी गई और अब 8 QRT के कमांडो यहाँ तैनात किए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे और अब इन QRT के कमांडो की अनुमति से ही कोई हनुमान बेनीवाल के घर में प्रवेश कर सकेगा। आरएलपी के संयोजक एवं खिमसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को थ्रेट कोई नई बात नहीं है, पहले भी बेनीवाल को कई तरह से थ्रेट मिल चुका है और कई बार इनकी जान को खतरा रहा, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, मामला ज्यादा गंभीर है। इसी कारण पूरे रास्ते पहले एस्कॉर्ट दी गई और फिर QRT यहां लगा दी गई। महेंद्र बिश्नोई, News18 नागौर। तो पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस इंटेलिजेंस से इनपुट मिला कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है और इसीलिए जब नागौर के लिए वो निकले पीछे पीछे तमाम पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती रही। जब घर पहुंचे तो QRT की टीमें वहां पर नागौर स्थित घर पर भी जबरदस्त घेराबंदी कर दी गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता महेंद्र जुड़े हुए हैं। महेंद्र, पुलिस इंटेलिजेंस से मिला इनपुट कितना ज्यादा सटीक साबित होता है और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिला था कि उनकी जान को खतरा है और कल देर शाम से ये सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी की स्थिति ये कि बेनीवाल के आवास पर 8 QRT के कमांड तैनात किए गए हैं, उनके यहाँ पहले से 2 सुरक्षाकर्मी उनको दे रखे थे। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।